दोस्तों आज की डेट में अगर आपको एक नया फोन लेना है एंट्री लेवल वाला और ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आप फोन अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हैं या फिर आप खुद स्टूडेंट हैं और एक फोन लेना चाहते हैं काफी कम प्राइस में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्फिनिक्स का ये वाला फोन खरीदो, क्योंकि इसकी प्राइस है सिर्फ 6,000 रुपये, जहाँ पे दोस्तों आपको काफी कमाल का डिजाइन देखने को मिल जाता है। खास करके ये जो डिजाइन है दोस्तों, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इस तरह का डिजाइन दोस्तों 8-10 हज़ार वाले फोन या फिर 10-12-15 हज़ार वाले फोन में हमको देखने को मिलता है। सो डिजाइन को लेके भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी अगर आप ये फोन परचेस करोगे। साथ ही साथ दोस्तों 6,000 की प्राइस में ये फोन जो है आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी ऑफर कर रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों जनरली हम देखते हैं कि इस प्राइस में जो फोन आते हैं उसमें 2 GB की रैम और 16 GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती है, लेकिन इस फोन में दोस्तों यहाँ पे आपको 2 GB की रैम के साथ साथ 32 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि काफी कमाल की बात है। साथ ही साथ दोस्तों ये फोन का जो डिस्प्ले है वो भी काफी कमाल का है। इसमें 6.1 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो काफी बढ़िया है दोस्तों। आप अगर इसमें वीडियो वगैरह देखेंगे या फिर गेम वगैरह खेलेंगे, छोटे मोटे गेम जो है वो खेलेंगे, तो आपको काफी मजा आने वाला है। और इसका मेन हाईलाइट है दोस्तों इस फोन की बैटरी लाइफ। यहाँ पे आपको 5,000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन इस फोन की जो बैटरी लाइफ है वो काफी कमाल की है दोस्तों। आप एक बार अगर इस फोन को चार्ज कर लोगे ना, तो 2 दिन तक आपको टेंशन फ्री रहना पड़ेगा कि आपको फिर से फोन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर नॉन स्टॉप भी इसको यूज करोगे तो बहुत ज्यादा बैटरी इसकी बैकअप देती है दोस्तों। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूँ इसी इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021 से रिलेटेड। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे लोगों का आ रहा है इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021 को लेके, कि इस फोन को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। तो मैं आपको बता दूं, इस फोन के साथ आपको 5 वोल्ट 1.2 एम का चार्जर मिलता है, और इस फोन को अगर आप चार्ज करना चाहे उस चार्जर से जो आपको साथ में मिलता है, तो तकरीबन ये आपको 4 घंटे का टाइम ले लेता है फुल चार्ज करने में। सो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, जब भी आप इस फोन को चार्ज करेंगे अगर 0 से 100% चार्ज करना चाहेंगे तो आपको 4 घंटे का वेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सोने के टाइम लगा के सो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, बाकी आप भी कर सकते हो ऐसा। मैं जब भी मेरा चार्ज खत्म होता है ना, तो मैं रात को फ़ोन को चार्ज में लगा के सो जाता हूँ और सुबह तक मेरा फ़ोन जो है चार्ज होकर रहता है। और इन्फिनिक्स में दोस्तों आपको सेफ चार्ज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है जब भी अगर आप फ़ोन को चार्ज में लगा के सो जाते हैं या कुछ करते हैं। जब भी ये फुल्ली चार्ज हो जाता है दोस्तों आपका फ़ोन, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो ओवर चार्जिंग का कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा इस फोन में। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस फ़ोन की बैटरी लाइफ, इस फ़ोन की बैटरी लाइफ आपको कैसी मिलेगी अगर आप ये फ़ोन परचेस करते हो, तो मैं आपको बता दूं, पिछले काफ़ी टाइम से दोस्तों मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूं और इसकी बैटरी लाइफ से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूं दोस्तों। अगर स्पेशली आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए लेते हैं या फिर वीडियो वगैरह देखने के लिए या फिर छोटे मोटे गेम्स खेलने के लिए दोस्तों, या फिर आप अपने किसी दोस्त को या फिर अपने किसी रिलेटिव को या फिर अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं, तो ये फ़ोन उनके लिए एक परफेक्ट चॉइस है दोस्तों। इस फ़ोन की बैटरी लाइफ काफ़ी कमाल की है, अगर एक बार इसको आप चार्ज कर लेंगे तो ईजिली ये 2 दिन तक लास्ट कर ही जाएगा दोस्तों। मैं इसको चार्ज एक बार करता हूँ ना, तो कम से कम 3-4 दिन मेरा चला जाता है दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, थोड़े बहुत कॉल वगैरह करता हूँ, व्हाट्सएप वगैरह थोड़ा सा यूज़ करता हूँ, और थोड़े बहुत जो है वीडियो वगैरह देखता हूँ। तो इस केस में मेरा ईजिली 2 से 3 दिन ईजिली निकल जाता है बिना चार्ज किए हुए। और अगर मैं बात करूँ बैटरी लाइफ को लेके कि नॉन स्टॉप यूज़ करने पे ये आपको कितना बैटरी बैकअप देगा, तो मैं आपको बता दूँ, लगभग अगर आप नॉन स्टॉप इसको यूज़ करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, छोटे मोटे गेम्स वगैरह खेलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, तो नॉन स्टॉप यूज़ करने पे भी आपको 10 से 12 घंटे का बैकअप ये दे सकता है। सो आप टेंशन फ्री होकर रहो इस फोन की बैटरी लाइफ को लेके, क्योंकि इस फोन की बैटरी लाइफ काफ़ी कमाल की है दोस्तों। और अगर आप नॉर्मली फ़ोन को यूज़ करोगे दोस्तों, ज़्यादा हेवी अगर आप चीज़ें नहीं करोगे इसमें, 2-4 घंटे आप वीडियो वगैरह देखोगे, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करोगे, तो 2 दिन तक आराम से ये फ़ोन जो है आपका देख लेगा सिंगल चार्ज में। सो ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा रिव्यू इसी फोन के बैटरी लाइफ को लेके और चार्जिंग को लेके। आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं बैटरी लाइफ को और चार्जिंग को लेके, ये क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे और वीडियोज के लिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए इंजॉय करें।